So we meet once again after the inaugural. Will you be comfortable in English or Hindi? Or I guess I will use both. सरकार में रहते रहते ना 20-25 साल में इंसान अंग्रेजी भूल जाता. सो मेरे को हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है. और इन्होंने एक बात नहीं बताई कि मेरे पास कुछ डिपार्टमेंट और भी हैं. उनमें से एक है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सामान्य प्रशासन. उसके अंदर रोज़ मैं चिट्ठी निकालता हूँ, अरे हिंदी में पत्राचार किया करो, हिंदी में बात किया करो. और ऐसे ऐसे अच्छे आदेश भी निकालता हूँ कि जब कोई नागरिक आपको चिट्ठी लिखता है तो उसको सर या मैडम करके जवाब शुरू करो. मैं तो चाहता था कि एक आदेश और हो जाए कि जब हम उनसे बात करें तब भी सर या मैडम कहें, लेकिन वो नहीं हो पाया. बट चिट्ठी में जब नागरिक को जवाब जाता है तो महोदय, महोदया, सर, मैडम, ऐसी बातें आजकल शुरू हो रही हैं सरकार में. सो स्टार्टअप्स, ये जो केंद्र हमने यहाँ पर बनाया है, ये कहानी शुरू होती है लगभग 2015 के आसपास. 2014 दिसंबर में मुझे ये डिपार्टमेंट दिया गया था. एक साल फिर मैंने यहाँ पे काम किया, उसके बाद फिर मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई, फिर ये छूट गया था. फिर ये डिपार्टमेंट वापस आया हमारे पास. तो वहाँ से 2015 से जो हमने यहाँ कुछ किया, आज जो आप देख रहे हैं ये एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है. जब हम यहाँ पहली बार आए थे तो बताया गया कि अपने पास 2-3 ज़मीन है यहाँ पर, यानी हार्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के पास. और एक ज़मीन तो हमने 15-20 साल से पकड़ रखी है और छोड़ी नहीं है, लेकिन उस पर हमने बनाया भी कुछ नहीं है. एक पे हमने थोड़ा बहुत बनाया है और वो हम किराए पे देते रहते हैं. और यहाँ पर एक टीम बैठती थी जो बिजली विभाग के बिल बनाती थी. तो इतनी बड़ी जगह का यूटिलाइजेशन ये था कि एक कमरे में एक टीम बैठ के, मैंने कहा तुम लोग गुरुग्राम के मध्य में बैठे हो, इतना बड़ा तुम्हारे पास कैंपस है, जैसे कि यूनिवर्सिटी के पास भी नहीं होता, यहाँ कुछ किया जाए. तो वहाँ से फिर ये विजन स्टार्ट हुआ था. अब आपको जान के खुशी होगी कि अगले 2-3 साल, 2015 के बाद से हमने यहाँ 3 इनक्यूबेटर बना लिए. एक नेस्कॉम के साथ मिलके बनाया है, उनके स्टार्टअप्स आपने सबने देखे होंगे, आज एग्जीबिशन में भी बैठे थे, यहाँ भी बैठे होंगे. एक हमने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन के साथ बनाया, और एक और बनाया, वो भी नेस्कॉम के साथ. तो नेस्कॉम के साथ एक मोबाइल डेवलपमेंट का इंक्यूबेटर है, मोबाइल ऐप्स का, और एक आईओटी का है. आपके पीछे ही 2 लैब्स हैं आईओटी की. तो वहाँ पर आईओटी के प्रोडक्ट्स, राजीव जी मोबाइल ज़रा साइलेंट पे लगा दो, ये पड़ा हुआ है. तो ये हमारी जर्नी है. हमें खुशी है कि इनके साथ मिलकर तीनों महकमे जो हैं, नेस्कॉम, IAMI और अब थोड़े दिनों में यूनाइटेड नेशंस भी, तो इनके साथ मिलकर तरह तरह के यहाँ पर इनक्यूबेटर्स पनप रहे हैं. ऐसा नहीं है कि इनक्यूबेटर स्पेस की कोई कमी है गुरुग्राम में. प्राइवेट सेक्टर में बहुत से इनक्यूबेटर्स, मेरे हिसाब से 100-200 तो गुरुग्राम में ही होंगे, लेकिन हमारे पास आने का एक एडवांटेज है. सबसे बड़ी एडवांटेज, सरकार के साथ काम करना. हो सकता है आपकी जो एरिया ऑफ वर्क है वो सरकार के कहीं काम आ जाए,
तो सरकार के साथ काम करने का मौका मिलता है। दूसरा, सरकारी स्टार्टअप से, सरकारी केंद्र से जब आप किसी और के पास जाके इंट्रोडक्शन देते हैं, मतलब हम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के इनक्यूबेटर से आ रहे हैं, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे याद है एक स्टार्टअप थोड़े दिन पहले बोला, मैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से मिलना चाह रहा हूँ और 2 साल से अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रहे हैं। तो जब भी कोई स्टार्टअप्स हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि क्यों आना चाहते हो, तो मोटा मोटा ये बात सामने आती है कि जो एक्सेस, जो रिकग्निशन हमें मिल सकती है गवर्नमेंट इनक्यूबेटर पे, वो और कहीं नहीं मिल सकती। ऑफ़ कोर्स ऐसा नहीं है कि हमारी स्क्रीनिंग बहुत टफ है, केवल 10-20% स्टार्टअप्स हम पास करते हैं जितने एप्लीकेंट्स हैं और वो यहाँ पर बैठते हैं, और प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। अगर हमारे स्टार्टअप्स यहाँ बैठ के कुछ इन्वेस्टर फंड्स हासिल कर सकें, तभी प्रूफ है कि हमारी सिलेक्शन ठीक थी या नहीं थी। तो आपको जान के खुशी होगी, कुछ स्टार्टअप्स ने अभी फंडिंग तक पहुँचे हैं। लास्ट ईयर लगभग 8-8.5 करोड़ की फंडिंग हमारे वेरियस स्टार्टअप्स हासिल कर चुके हैं। कुछ स्टार्टअप्स को बहुत रिकग्निशन मिला है नेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और IoT में हमें स्पेशल उम्मीदें दिख रही हैं, क्योंकि IoT में जितनी टीमें आई हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकली ज़मीन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स और लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा कि ज़मीन में सेंसर्स लगाना, ज़मीन के अंदर सॉयल हेल्थ डेटा, मॉइस्चर का डेटा, वेजिटेशन की क्या दशा है उसकी डेटा, इसकी भी एक स्टार्टअप यहाँ पर हमारे साथ काम कर रही है, और मुझे उम्मीद है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको खूब तौर पे यूज़ करेगा, क्योंकि उनके लिए नेसेसरी है जानना कि कहाँ पर क्रॉप के ऊपर स्ट्रेस आ रही है, कहाँ पर हमें इंटरवेंशन करना पड़ेगा, कहाँ हमें बिजली ज़्यादा दे के पानी और ज़्यादा निकालने के लिए चेष्टा की जा सकती है, जहाँ पे क्रॉप्स मर रही हैं वहाँ पर हो सकता है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को पकड़ के कि इस एरिया में पानी ज़्यादा भेजो कैनाल्स के ज़रिए, इस तरह के कई काम वहाँ पर किए जा सकते हैं। सो स्टार्टअप्स के लिए हमारा जो विज़न है वो आप जानते ही हैं। एक तो हमने अपनी पॉलिसी बना डाली जिसके अंदर तरह तरह के हमने इंसेंटिव्स डाले हैं। स्टार्टअप शुरू करने के लिए हमने सीड फंडिंग का प्रावधान किया है, लगभग 3 लाख रुपए का सीड फंड हम प्रोवाइड करते हैं, उसको कार्यान्वित करने जा रहे हैं इस साल, पैसा हमारे पास आ चुका है। सेकंड, गवर्नमेंट के साथ कहाँ कहाँ काम किया जा सकता है वो हम उनको बताते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स इनके सामने रखते हैं, या इन्होंने जो प्रोडक्ट्स बनाए वो गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। कुछ स्टार्टअप्स ने काम भी शुरू कर लिया सरकार के साथ, लेकिन सरकार इनका टेक्नोलॉजी, इनका प्रोडक्ट कैसे हासिल करे उसके लिए जो प्रोसेस है, क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट सिस्टम्स के अंदर ओपन टेंडरिंग, अराइविंग एट द बेस्ट प्राइस, कंपटीशन, ये सब हमें इंश्योर करना ज़रूरी है। तो उसकी एक प्रोसेस हम डिज़ाइन कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कुछ एरियाज़ ऑफ वर्क या कुछ सेक्टर्स रिजर्व कर दिए जाएं जहां केवल स्टार्टअप्स ही पार्टिसिपेट कर सकें। मैं इसी दौरान यहां पर अपना अप्रिसिएशन भी कन्वे करना चाहूंगा, खासकर हमारे जो पार्टनर्स हैं नैसकॉम और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन, इन्होंने यहां पर सिंसियरली एफर्ट्स लगाकर आप मेंटर्स यहां पर लाए हैं, तरह तरह के इवेंट्स यहाँ पे किए हैं, मार्केट का एक्सपोजर दिया है, इन्वेस्टर्स को आपके पास लाए हैं, तो उनका एप्रिसिएशन मैं निश्चित तौर पर कन्वे करना चाहूँगा। आज शायद यहाँ नहीं है, बट अच्छी बात ये होती है कि पीठ पीछे उनकी तारीफ की जाए। सो जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट टू स्टार्टअप एंड स्टार्टअप्स टू गवर्नमेंट, दिस इज़ आवर विजन एज फार एज स्टेट इज़ कंसर्न्ड। If you are going in private sector, your product is not suitable to government,
it is suitable for citizens' use or any private vendors' use, we encourage you with seed funding. एक और चीज़ हमने यहाँ पे अभी कमी महसूस की है कि आपकी यहाँ की मैनेजमेंट के लिए एक कंसल्टेंसी टीम का गठन होना ज़रूरी है. अभी राजीव जी अकेले, वैसे इनके कंधे चौड़े हैं, पूरा भार ये उठा लेते हैं, बट अकेले यहाँ पे जूझ रहे हैं आप सब के लिए. तो एक कंसल्टेंसी टीम हम यहाँ पे जल्द ही सेटअप करने जा रहे हैं, जो कि आपके कम्युनिकेशंस विद गवर्नमेंट, विद प्राइवेट सेक्टर, विद सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, आपकी मार्केटिंग में मदद हो सके. मेंटरिंग में तो आपको नैसकॉम और IEMI करते ही हैं, बट द रियल गेम इज़ टू सेल योर प्रोडक्ट टू समबडी. एंड नॉट ओनली इन्वेस्टर को सेल करना, वो आपका काम है, बट एक्चुअली गेटिंग योर प्रोडक्ट टू सम यूज़र, there you need a lot of help, and that is our vision for all the startups and all of you here. तो जो जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अभी और बहुत लोगों को सुनना है, तो ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा. बस यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इज़ वेरी सिंसियर एंड वांट्स कि यहाँ जितनी स्टार्टअप्स आई हैं वो सक्सीड करें. हम तो आज फाइनेंस मिनिस्टर को यहाँ तक बोले कि जी, इफ़ वी रियली ट्रस्ट देम देन वी शुड इन्वेस्ट इन देम ऑल्सो. यू नो द स्टार्टअप कल्चर में आप सब जानते हैं कि द स्टैटिस्टिक्स आर रियली अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इनोवेशन. दे से 99% ऑफ स्टार्टअप्स दे फेल. सो जो एक दो भी निकलेंगे, अगर गवर्नमेंट भी उसमें स्टेक कंसिडर करे, अभी मैंने ये नहीं बोला कि मैंने बना लिया पॉलिसी, मैंने ये बात अभी छेड़ी है, तो ऑब्वियसली किसी न किसी टाइम पर हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत कई गुना रिपे कर जाएगा. सो दैट इज़ अ थॉट विच वी आर कंसिडरिंग. इसके अलावा एक पोर्टल हम तैयार कर रहे हैं, जिसके ऊपर सरकारी डिपार्टमेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स आपको पोज कर देंगे, और उन प्रॉब्लम्स को यदि आप एड्रेस कर सकते हो, या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो उसको एड्रेस कर सकता है, तो उसको फिर आगे चलाया जा सकता है. उसके लिए जो प्रोसेस बनानी है वो हम बना रहे हैं. हमने 2-3 स्टेट्स का, खासकर आंध्र प्रदेश और केरला की, जो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड इंटरवेंशन है, आंध्र प्रदेश ने तो एक इनोवेशन सोसाइटी बनाई और कहा कि एनुअली हम सेलेक्ट किया करेंगे कि किसकी इनोवेशन सबसे अच्छी है, और उसको कुछ ना कुछ हम काम दे दिया करेंगे. सिमिलरली केरला ने भी एक मॉडल बनाया, तो जल्द ही हम एक मॉडल ला रहे हैं, और हमारे जितने स्टार्टअप्स यहाँ बैठे हैं उनके साथ पहले शेयर करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे, और जैसा मैंने बताया, जो भी मॉडल हो वहाँ मुझे गवर्नमेंट बीइंग अ ट्रांसपेरेंट बॉडी, वी हैव टू एंश्योर दीज 3 थिंग्स. नंबर 1 कंपटीशन, नंबर 2 ए कंपिटिटिव प्राइस, नंबर 3 ए ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर. अभी कल परसों की बात है, हमारे सेक्रेटेरिएट में, जहाँ हमारा हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में, वहाँ हमें एक ज़रूरत महसूस हुई कि जितनी सरकारी गाड़ियाँ आती हैं उनका वहाँ रिकग्निशन का कोई सिस्टम हो. तो हमें तो पुराना ही टेक्नोलॉजी मालूम थी कि जी वो एक RFID का डिवाइस शीशे के ऊपर लगा के, आगे गेट पे एक RFID रीडर, तो वो हम करने का सोच रहे थे. तो मैं अभी स्टार्टअप्स के पास घूम रहा था, तो एक स्टार्टअप दिखाई दी, वो कहते सर इस सब की ज़रूरत ही नहीं, आपकी गाड़ी में एक मोबाइल फ़ोन, जिसको हम कहें उसके अंदर एक ऐप डालिए, उसको गेट रिकग्नाइज करेगा जैसे ही आप आओगे. तो सारा ऐप बेस्ड, नो डिवाइसेस, ऐसी ऐसी चीज़ें संभव हैं. सो वी विल बी एक्सप्लोरिंग ऑल दीज थिंग्स. ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहूँगा कि वी आर हियर विद यू. हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी बोला साथ में कि IT डिपार्टमेंट को जो भी सपोर्ट और जो स्टार्टअप्स को हमारी तरफ से सपोर्ट चाहिए, वो सारा
देने के लिए हम कमिटेड हैं। थैंक यू।